दिल्ली से बड़ी खबर है, सोनिया गांधी की तबियत बिगड़ी। सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर है, सोनिया गांधी की तबियत बिगड़ी है। सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, इससे पहले उनको कोविड हो गया और कोविड के बाद अब उनकी तबियत बिगड़ी बताई जा रही है। अब से कुछ दिन पहले ही उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसके बाद कहा जा रहा है अब कि तबियत बिगड़ी है। सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि सोनिया गांधी, जिनकी तबियत थोड़े समय पहले भी नासाज चल रही थी, इसके बाद अब थोड़े दिन पहले कोविड बताया जा रहा था, उनको कोविड हो गया और अब ये बताया जा रहा है कि उनकी तबियत बिगड़ी है, उनको दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा, वो उदयपुर आई थी और शिविर में, चिंतन शिविर में भाग लिया था। हालांकि सोनिया गांधी कम ही इस तरह के शिविर या रैली में अब जाती हैं, तबियत का हवाला देकर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अभी तबियत ठीक नहीं है और इस वजह से वो बाहर कहीं नहीं निकलती हैं, कम ही जाती हैं। और अब क्योंकि कोविड उनको थोड़े दिन पहले हुआ था, उसके बाद अब तबियत बिगड़ी बताई जा रही है। हालांकि क्या हुआ है ये अभी फिलहाल स्पेसिफाई जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन कहा जा रहा है कि गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है।